नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी को दी गिरफ्तारी की इजाजत। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को INX मीडिया केस में बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से INX मीडिया धन शोधन मामले के सिलसिले में पूछताछ करने की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने प्रवर्तन निदेशालय की चिदम्बरम से पूछताछ की अर्जी को कबूल कर लिया है। चिदम्बरम INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है। CBI ने मामला दर्ज किया था। कुहार ने कहा कि एजेंसी चिदम्बरम से बुधवार को तिहाड़ जेल में जाकर के पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। जियो ने लॉन्च किया दुनिया का पहला नेटिव वीडियो कॉल असिस्टेंट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2019 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो कॉल असिस्टेंट बूट लॉन्च किया है, जिसे 4G फोन कॉल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह का कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यह जियो वीडियो कॉल असिस्टेंट कस्टमर सपोर्ट के मामले में क्रांति ला सकता है, क्योंकि इससे ग्राहकों को लंबे समय तक म्यूजिक सुनते हुए कॉल होल्ड नहीं करना पड़ेगा और कभी न खत्म होने वाली यह जो IVR वेटिंग टाइम भी बीते दिनों की बात हो जाएगी। इस इनोवेटिव कस्टमर इंगेजमेंट वीडियो असिस्टेंट सॉल्यूशन को जियो ने US बेस्ड कंपनी रेडसिस के साथ मिलकर के विकसित किया है। इस सर्विस की वजह से जियो वीडियो कॉल का बिजनेस काफी स्मूथ हो जाएगा। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई। CJI ने दिए संकेत। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। CJI रंजन गोगोई ने इसके संकेत दे दिए हैं। अयोध्या केस में 39वें दिन की सुनवाई के दौरान CJI ने कहा है कि रामलला विराजमान के वकील CS वैजनाथन को आज 45 मिनट का और वक्त दिया जाएगा। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवाल को 1 घंटे जवाब देंगे। उसके बाद दोनों पक्षों को अपनी दलील पर बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मोल्टिंग ऑफ रिलीफ पर बहस कर सकता है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्षकार के वकील के पराशरण से पूछा है, क्या आप मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवाल की इस दलील से सहमत हैं कि एक मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी। पराशरण ने जवाब दिया है कि मेरा कहना सिर्फ इतना भर है कि एक मंदिर सिर्फ मंदिर ही रहेगा। मैं उसकी दलील पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस्लामिक मान्यताओं का जानकार नहीं हूं। बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस देगी यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस देने का बड़ा ऐलान किया है। CM योगी के आदेश पर अपर मुख्य सचिव वित्त बोनस का आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस आदेश से करीबन 14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही 25 अक्टूबर को इस महीने का वेतन देने का भी फैसला किया गया था। ऐसे में दिवाली त्योहार पर सरकार के पहले वेतन के साथ कर्मचारियों को बोनस का भी फायदा मिलेगा। RBI ने इस वित्त वर्ष में नहीं छापा एक भी 2000 रुपए का नोट। RTI से खुलासा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक RTI के जवाब में खुलासा किया है। RBI ने इस वित्त वर्ष में भी एक भी 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं की है। आपको बता दें कि नवंबर 2016 में सरकार ने काला धन पर लगाम लगाने और फेक करेंसी को सर्कुलेशन से हटाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया था। इसके बाद 2000 और 500 रुपए के नोट आ गए थे। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने RTI का जवाब देते हुए कहा है कि 2016-17 के वित्त वर्ष के दौरान 2000 रुपए के करीबन 3542.9 मिलियन नोट छापे गए थे। अगले साल यह 111.5 मिलियन नोट तक कम हो गया था। 2018 और 19 में बैंक ने करीबन 46.9 मिलियन नोट छापे गए थे। एक्सपर्ट ने कहा है कि हाई वैल्यू नोट को हटाना काले धन पर नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है। हाई वैल्यू के नोट को प्रचलन से हटाने के कारण बहुत सारे काला धन पर लेन देन काफी मुश्किल हो जाता है। पोस्ट ऑफिस ने शुरू की नई सर्विसेज। ऑफलाइन में लगे बिना घर पर बैठकर के करें पैसे का लेन देन। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस बचत खाता धारकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा सर्विसेज शुरू की है। पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलेशन जारी करके इसकी घोषणा की है। इस सर्कुलेशन के मुताबिक सभी पोस्ट ऑफिस के बचत खाता धारकों के लिए 15 अक्टूबर से यह सुविधा लागू हो गई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाता धारकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा पहले से ही है। अब इस पर पोस्ट ऑफिस बचत खाता धारक के लिए भी उपलब्ध हो गया है। इस सुविधा से पोस्ट ऑफिस के ज्यादातर स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि को मैनेज करना आसान हो जाएगा।
IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में किया संशोधन। 2019 के लिए 7 से घटा करके किया 6.1%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा करके 6.1% कर दिया है। ताजा अनुमान अप्रैल में जारी अनुमान की तुलना में 1.2% कम है। IMF ने अप्रैल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 2019 में 7.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि 3 महीने के बाद जुलाई में इसमें भारत के लिए धीमी वृद्धि दर की संभावना जताई गई और GDP वृद्धि दर 7.3% से घटा करके 7% कर दिया गया था। IMF ने 2019 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भी कटौती की है। IMF ने वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके 3% कर दिया है, जो कि पिछले साल 3.8% था। IMF ने अपनी ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमान जताया है कि भारत की वृद्धि दर 2019 में 6.1% रहेगी और अगले साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आने के साथ इसकी वृद्धि दर 7.0 रहेगी। राजस्थान में सचिन पायलट का दावा, काम के जरिए दोनों सीटों पर मिलेगी जीत। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। पायलट का कहना है कि सरकार के कामकाज की वजह से इन दोनों सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में संगठन पूरी तरीके से लगा हुआ है, सरकार ने काम किए हैं। इन दोनों चुनाव में सरकार के कामकाज की परीक्षा ली जाएगी और हमारी सरकार और पार्टी इस परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। PMC बैंक घोटाले पर जांच के घेरे में आ सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, पूछताछ संभव। क्या PMC बैंक घोटाले के पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने आरोपी को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाया था? यह आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने साल 2012 में आरोपी राकेश वधावन की कंपनी के जहाज निजी इस्तेमाल में लिए थे। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां इस मामले में प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ कर सकती है। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने PMC बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वधावन की कंपनी के जहाज अपने परिवार के साथ कई बार यात्रा की। जांच एजेंसियां यह जानना चाहती है कि यह हवाई यात्रा उन्हें किस एवज पर कराई गई थी। जेब कतरे की तरह मोदी मुद्दे से भटकाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को कुछ उद्योगपतियों का भोपू करार देते हुए कहा है कि उनकी राजनीति एक जेब कतरे जैसी है जो चोरी से पहले लोगों का ध्यान बांट देता है। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की एक रैली में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री चांद और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के रद्द होने के बारे में बोलते हैं, लेकिन किसानों और बेरोजगारी जैसी आम लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे के बारे में चुप रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि GST और नोटबंदी ने छोटे और मझले उद्यमी, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, बेरोजगारी की समस्या देश में लगातार बनी रहेगी। 6 महीने में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। बाबा साहब की तरह बौद्ध धर्म अपनाएगी मायावती, लेकिन सही वक्त पर लेंगी फैसला। BSP सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही है। मायावती ने यह बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कही है। मायावती ने कहा है कि वह बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म अपना लेंगी। RSS प्रमुख ने कुछ दिन पहले कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए मुस्लिम यहां सुखी है। हम RSS के इस तर्क से सहमत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मायावती ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के मामले में मेरे बारे में आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि बहन जी बाबा साहब के धर्म परिवर्तन पर चलकर के कब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लूंगी, लेकिन यह फैसला उचित समय पर करूंगी। ट्रंप ने तुर्की पर लगाए प्रतिबंध, दी उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई के विरुद्ध में तुर्की अधिकारियों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा है कि यदि तुर्की तबाही की राह पर आगे बढ़ता चला गया तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को तेजी से बर्बाद करने के लिए तैयार है। साथ ही कहा है कि स्टील पर शुल्क बढ़ाते हुए अमेरिका ने $100 अरब के व्यापार सौदे पर बातचीत भी बंद कर दी है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रशासन को तुर्की पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। PM मोदी के इस काम से बहुत खुश है दलाई लामा, इमरान को दिखाया आईना। चंडीगढ़ पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि दूसरे देशों से अच्छे संबंध संवाद के जरिए ही बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के साथ बातचीत के जरिए अच्छे संबंध बनाने में अद्भुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इमोशनल है, UN प्लेटफॉर्म पर जाकर के भी मतभेद की बात करते हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का संदेश देते हुए नजर आते हैं। धर्मगुरु ने कहा है कि पाकिस्तान चाइना के टॉप लीडर के मदद की लगाता है, जबकि पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वास्तविकता को दिखाते हुए अवास्तविकता का अभाव रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी भावुक बताया और सीरिया के हालातों पर दुख जाहिर किया। दलाई लामा ने कहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हुई बातचीत मुलाकात की भी उन्होंने सराहना की।
आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।